एम्पलीफाइड वर्ल्ड, ये भी एक नॉर्मल वर्ल्ड की तरह है, बस इस वर्ल्ड की जनरेशन बहुत अजीब तरीके से होती है, जिसके कारण इस वर्ल्ड में बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेंस, कुछ ज़्यादा ही ऊंचे माउंटेंस जनरेट हो जाते हैं, जिसके कारण इस वर्ल्ड में एक्सप्लोर करना एंड छोटे से छोटा रिसोर्सेस कलेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड आज के इस वीडियो में हमको इसी एम्पलीफाइड वर्ल्ड में सर्वाइव करना है 100 डेज। सो ये स्पॉन हो जाते हैं हम अपने एम्पलीफाइड वर्ल्ड में। एंड जैसे कि मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया था, इस वर्ल्ड की जनरेशन बहुत अजीब तरीके से होती है, बट मुझे तो कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रही है। ये तुम लोग देख रहे हो हम कहाँ पर स्पॉन हुए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं सबसे पहले कलेक्ट करता हूँ वुड, एंड पास में हमारे बहुत सारे स्टोन भी थे, तो स्टोन को कलेक्ट करके मैं सबसे पहले क्राफ्ट करता हूँ अपने लिए सारे स्टोन के टूल्स। एंड फिर मुझे एक माउंटेन पे रॉ आयरन के कुछ पैचेस दिखते हैं, तो मैं फटाफट से वहां से ढेर सारा आयरन कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड आयरन के साथ साथ मुझे ढेर सारा कोल भी मिल जाता है। इस जगह पे थोड़ा अंधेरा था, तो कलेक्ट किए हुए कोल की मदद से मैं कुछ टॉर्चेस क्राफ्ट करता हूँ, एंड फिर मुझे एक और बार थोड़े आयरन मिल जाते हैं। एंड अब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं इस वर्ल्ड का इतनी जल्दी अंबानी ना बन जाऊँ। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? A few minutes later. लेकिन यार इतनों से रिसोर्सेस में कौन ही अंबानी बनेगा? ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। आयरन और कोल कलेक्ट करने के बाद मैं एक फर्नेस क्राफ्ट करता हूँ, एंड अपने सारे आयरन को उस फर्नेस में स्मेल्टिंग के लिए लगा देता हूँ। एंड आयरन स्मेल्ट हो जाने के बाद मैं उस आयरन की मदद से अपने लिए क्राफ्ट करता हूँ एक आयरन की पिकैक्स एंड एक वाटर बकेट। एंड फिर मैं अपने वाटर बकेट की मदद से करता हूँ बहुत खतरनाक MLG। इसी के साथ नाइट हो जाती है, तो मैं अपने प्रोटेक्शन के लिए एक आयरन की स्वॉर्ड और एक आयरन की शील्ड क्राफ्ट करता हूँ। एंड बचे हुए आयरन की मदद से मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ एक चेस्ट प्लेट। हमारे हार्ट्स कम होने की वजह से मैं आसपास की जगह को थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ, ताकि हमको कोई फूड सोर्स मिल जाए। एंड लकीली हमको कुछ एनिमल्स मिल जाते हैं, जिनको मार के मैं कलेक्ट करता हूँ उनका फूड, फिर मैं उन्हें अपने स्मेल्टर में कुक होने के लिए लगा देता हूँ। एंड अब अपने पास थोड़ा और आयरन आ गया था, जिसकी मदद से मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ अपने लिए एक आयरन का हेलमेट। एंड उसके बाद अपने कुक्ड फूड की मदद से मैं अपने हंगर बार को बढ़ाता हूँ। फिर फाइनली डे हो जाता है, एंड मैं निकल जाता हूँ अपने इस एम्पलीफाइड वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड तुम लोग देख ही सकते हो यहाँ पे कितने बड़े बड़े माउंटेन्स एंड कितनी बड़ी बड़ी केव्स है। एंड तुम लोग अभी भी देख सकते हो हम कितने ऊपर है। एंड मुझे जाना अभी नीचे, क्योंकि नीचे मुझे दिख रहा है बहुत सारा फूड। फिर उस बड़ी सी केव के पास हमको कुछ शिप्स भी मिल जाती है, लेकिन बेड क्राफ्ट करने के लिए चाहिए होती है 3 शिप्स, एंड यहाँ पे सिर्फ 2 ही थे, इसलिए मैं फटाफट से क्राफ्ट कर लेता हूँ शेयर। एंड शेयर की मदद से मैं कलेक्ट करता हूँ वुल, क्योंकि शेयर की मदद से हमको डायरेक्टली 2 या 3 वुल मिलता है शिप के पास से। एंड वुल मिल जाने के बाद मैं इन्हें मुक्ति दे देता हूँ। चीटिंग करता है तू। इस केव में बहुत सारे आयरन होते हैं, जिन्हें मैं एक एक करके कलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैं इस ड्रिपस्टोन को भी कलेक्ट कर लेता हूँ, पता नहीं क्यों आगे जाके काम में आएगा, क्योंकि अपने पास वुल आ गया था। तो मैं फटाफट से अपने लिए एक बेड क्राफ्ट कर लेता हूँ, एंड उसके बाद फर्नेस की मदद से अपने को मिले हुए सारे आयरन को स्मेल्ट कर लेता हूँ। आयरन स्मेल्ट करते वक्त नाइट हो जाती है, तो मैं फटाफट से अपना बेड लगाता हूँ एंड सो के डे कर लेता हूँ। एंड नेक्स्ट डे को मैं उस केव में जाता हूँ, लेकिन उस केव में जाने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि मुझे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन वहाँ से मुझे मॉस ब्लॉक्स मिल जाते हैं, जो कि हमारे आगे काम आ सकते हैं। तो उन मॉस ब्लॉक को कलेक्ट करके मैं उसके उसे बाहर आता हूँ, एंड फिर निकल जाता हूँ एक अच्छी सी जगह ढूंढने के लिए, जहाँ पे अपना बेस बना सकेंगे। एक्सप्लोर करते करते मुझे एक डेजर्ट विलेज मिल जाता है, जो कि एक कोल्ड ओशन और एक प्लेन बायोम से कनेक्ट था। इस विलेज में इतनी खास लूट तो नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज थी, जो कि थी हेबल्स, एंड जिसकी हमको बहुत ज्यादा जरूरत थी अभी के टाइम पे। सो मैं एक हो क्राफ्ट करता हूँ एंड इस विलेज की सारी हेबल्स को कलेक्ट कर लेता हूँ। इस विलेज के फार्म से मुझे सीड्स भी मिल जाते हैं, जिसके मदद से हम आगे जाके फार्मिंग कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक आयरन गोलेम भी होता है, जिसको मार के मैं कलेक्ट करता हूँ आयरन। मुझे एक लाइब्रेरियन का घर भी मिलता है, जिसमें होते हैं बहुत सारे बुक शेल्फ, जिनसे मैं बुक्स कलेक्ट कर लेता हूँ, एंड ये बुक्स हमारे एन्चेंटमेंट सेटअप बनाने के काम आएंगे। मुझे कुछ चेस्ट भी मिलती है, जिसमें से मुझे कुछ ब्रेड्स मिल जाती है, एंड पास में शुगर केन्स भी होते हैं, तो मैं उन्हें भी कलेक्ट कर लेता हूँ। क्योंकि हमें अब एक विलेज मिल गया था, तो विलेजर्स की वजह से हम अपना बेस विलेज के आसपास ही बनाएंगे। एंड मुझे एक अच्छी जगह भी मिल गई थी, जो कि विलेज के कुछ ब्लॉक्स दूरी। रास्ते में मुझे कुछ शिप्स भी मिल जाती है, जिनको मैं वीट का लालच देके उस एरिया पे लेके जाता हूँ, एंड उनके लिए एक जेल, एक छप्पड़ मार दूँ, मेरा मतलब है कि एक छोटा सा डर्ट का घर बनाता हूँ, एंड फिर इन कैदियों, फिर मैं इन शिप्स को वीड देकर इनकी ब्रीडिंग कराता हूँ, ताकि हमारे पास मल्टीपल शिप्स हो जाए। फिर एक चेस्ट क्राफ्ट करके अपना सारा कीमती सामान उस चेस्ट में रख देता हूँ, एंड फिर यहीं पे कुछ शुगर केन एंड सीड्स प्लांट करके अपने लिए एक छोटा सा फार्म बिल्ड कर लेता हूँ। एंड फिर थोड़ा वुड कलेक्ट करके मैं अपनी इस एरिया को टेराफॉर्म करता हूँ।
अब ये एरिया पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तुम लोगों ने तो इस काम को 30 या 40 सेकंड के टाइम लैप्स में देख लिया, बट मुझे इस काम को करने में लिटरली माइनक्राफ्ट के 5 से 10 दिन लग गए एंड बहुत सारी मेहनत भी। कॉज 90% ऑफ माउंटेन स्टोन से बना हुआ था और स्टोन को माइन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, खासकर स्टोन टूल्स के साथ। एंड तुम लोग कॉबल स्टोन देख के पता ही कर सकते हो कि मैंने कितने सारे स्टोन माइन किए होंगे। एक बार फिर से मैं अपने सीड्स एंड शुगर केन को प्लान करके अपने लिए एक फार्म लैंड बना लेता हूँ एंड उसके बाद मैं कलेक्ट करता हूँ कुछ वुड, जिससे मुझे मिल जाती है बहुत सारी सैपलिंग जिनको मैं प्लान कर रहा था अपने बेस पे। हमारी शिप्स अभी भी उस डर्ट के होल में रह रही थी, तो वुड की मदद से मैं ढेर सारे फेंसेस क्राफ्ट करता हूँ एंड अपने बेस पे एक छोटा सा बांध बिल्ड कर लेता हूँ एंड फिर उन सारे एनिमल्स को अपने बांध में ट्रांसफर कर देता हूँ। एंड इसके साथ नाइट भी हो जाती है तो मैं फटाफट से अपने बेड पे जाके सो जाता हूँ। नेक्स्ट डे को मैं हेबल्स की मदद से वीट क्राफ्ट करता हूँ, जिनकी मदद से मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ ढेर सारी ब्रेड्स एंड बची हुई वीट की मदद से मैं अपने सारे एनिमल्स की ब्रीडिंग करा देता हूँ। एंड साथ ही साथ मैं शेयर की मदद से शिप से बहुत सारा वुल भी कलेक्ट कर रहा था, क्योंकि आने वाले दिनों में हमको अपने एम्प्लीफाइड वर्ल्ड में बिल्ड करना है एक बड़ी सी वाइंड मिल, जिसके लिए हमको लगेगा बहुत सारा वुल। हमें अब अपने लिए एक हाउस बिल्ड करना था जिसके लिए हमको बहुत सारे रिसोर्सेज लगने वाले थे, तो मैं सबसे पहले क्राफ्ट करता हूँ कुछ एक्सेस एंड कलेक्ट करता हूँ बहुत सारे वुड। एंड ये कलेक्ट कर लिया हमने इनफ वुड, शायद कुछ ज़्यादा ही कर लिए। मुझे अपने बिल्ड में डिप्सलेट का भी यूज़ करना था, इसलिए डिप्सलेट कलेक्ट करने के लिए मैं माइनिंग करता हूँ एंड माइन करते करते मुझे बीच में ही एक अंडर वाटर रिवर मिल जाती है, जिसमें मुझे दिखाई देते हैं डायमंड्स। तो मैं फटाफट से डुअर्स क्राफ्ट करता हूँ, जिसकी मदद से हम अंडर वाटर माइनिंग कर सकेंगे एंड कलेक्ट करता हूँ अपने वर्ल्ड के फर्स्ट डायमंड। एंड ऐसे करते करते मुझे इस रिवर से बहुत सारे डायमंड्स मिल जाते हैं। हम आए थे यहाँ पर डिप्सलेट कलेक्ट करने एंड हमको मिल जाते हैं बहुत सारे डायमंड। फिर मुझे कुछ लैपिस मिल जाते हैं एंड उसके बाद मैं एक्चुअल में वाई लेवल -58 पे जाके डिप्सलेट माइनिंग करता हूँ। इसके साथ हमने अपने हाउस बिल्ड में लगने वाले हर एक रिसोर्सेस को कलेक्ट कर लिया था एंड ये रही अपने हाउस बिल्ड की आउटलाइन। ये रहा हमारा छोटा सा हाउस, इस जगह पे आएगा हमारा इंचेंटिंग सेटअप, ये रहा हमारा बेडरूम है, स्मेल्टिंग एरिया एंड ऊपर के फ्लोर पे है स्टोरेज रूम। इस जगह पे वॉल है लेकिन इस जगह पे मुझे एक पोर्टल रूम बिल्ड करनी है, जो कि हम लोगों ने कर ली। नेदर पोर्टल बिल्ड करने के लिए हमको ऑब्सीडियन चाहिए होगे, इसलिए मैं अपनी पुरानी वाली माइन में आ जाता हूँ जहाँ पे एक बहुत बड़ा लावा पूल है। तो लावा की मदद से हम ढेर सारे ऑब्सीडियन कलेक्ट कर लेते हैं एंड फिर मैं अपने बेस पे वापस जाके अपने लिए बिल्ड करता हूँ एक नेदर पोर्टल एंड उसको डेकोरेट भी कर देता हूँ। एंड अब ये बहुत ज़्यादा कूल लग रहा था एंड उसके बाद मैं नेदर में जाके अपना स्पॉन पॉइंट चेक करता हूँ, जो कि एकदम ठीक ठाक था। हम एक नेदर रेस्ट बायोम में स्पॉन हुए थे। ओवरवर्ल्ड में वापस आके मैं 2 फ्लेचिंग टेबल क्राफ्ट करता हूँ एंड अपने विलेज में जाके अपने विलेजर्स को फ्लेचर की जॉब देता हूँ एंड उनसे स्टिक के बदले में मैं ढेर सारे एमरल्ड्स की ट्रेडिंग कर लेता हूँ। इस विलेज से कनेक्टेड एक कोल्ड ओशन था जिसके अंदर बहुत सारे केल्प थे, तो मैं उन्हें भी कलेक्ट कर लेता हूँ, शायद आगे जाके हमारे काम आ जाए। फिर मैं छोटे मोटे काम करता हूँ, जैसे कि अपने एनिमल्स की ब्रीडिंग कराना, शिप से वुल कलेक्ट करना, वीट एंड शुगर केन की फार्मिंग करना, वुड कलेक्ट करना एंड और भी बहुत कुछ। अब हमारे पास बहुत सारा वुल कलेक्ट हो गया था एंड एकदम सही टाइम भी था अपने लिए एक विंड मिल बिल्ड करने का, क्योंकि अपने पास का फूड सोर्स खत्म होते जा रहा था।
एंड ये रही हमारी बड़ी सी ओपी वाली विंड मिल। एंड इस विंड मिल में हमारा बड़ा सा फार्म भी है जिसमें मैंने अभी अपने सीड्स प्लांट करके रखे हैं। फिर मैं अपने प्राणी संग्रहालय में आ जाता हूँ जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भसड़ मची पड़ी थी, तुम लोग भी देख ही सकते हो, इसलिए मैं थोड़ी साफ सफाई कर लेता हूँ। अब लग रही ना ये जगह एकदम क्लीन। चरम करो भगवान से डरो। सो इतनी सारी शिप्स की हत्या मेरा मतलब है कि उनको मुक्ति देने के बाद हमारे पास बहुत सारा मीट आ जाता है जिनको मैं कुक होने के लिए रख देता हूँ। फिर मैं इस वर्ल्ड को थोड़ा एक्सप्लोर करने निकलता हूँ एंड मुझे एक अजीब सा विलेज मिलता है जिसमें मुझे विलेज का पाथ तो नजर आ रहा था लेकिन कोई भी घर नहीं दिख रहा था। लेकिन कुछ समय बाद मुझे फार्म नजर आता है एंड इस फार्म के साथ साथ मुझे एक घर भी नजर आता है। तो इससे तुम लोग पता कर सकते हो इस वर्ल्ड की जनरेशन क्या ही अजीब तरीके से होती है। एंड ये देखो एक रुइंड पोर्टल जो कि कितने नीचे है एंड शायद उधर भी विलेज का पार्ट है। फिर मैं अपने बेस पे वापस आ जाता हूँ एंड अपने बेस पे वापस आके मैं सीधा निकल जाता हूँ वाई लेवल -58 पे डायमंड माइनिंग करने के लिए। बहुत सारे डायमंड के साथ एक लंबी माइनिंग ट्रिप से मैं अपने बेस पे वापस लौटता हूँ एंड अब अपने पास हो गए थे इन टोटल 53 डायमंड्स। अपने बेस से मुझे एक वुल्फ दिखता है तो बोन की मदद से मैं उसे टेम कर लेता हूँ। एंड अब हम इस एम्प्लीफाइड वर्ल्ड में अकेले नहीं है, हमारे साथ अपना एक फ्रेंड भी है। हमारे बाद की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो मुझे लगता है हमें एक बार फिर से साफ सफाई करनी पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले इन लोगों की ब्रीडिंग कराता हूँ एंड उसके बाद बच्चों को छोड़ के सबको। बचे हुए इन बेबी एनिमल्स को मैं दूसरी जगह पे ट्रांसफर करता हूँ क्योंकि इनके पुराने बांध की जगह पे मैं एक न्यू बांध बिल्ड करने वाला हूँ जहाँ पे ये लोग बहुत शांति से रह पाएंगे। एनिमल बान बनाने के बाद मैं अपने बेस पे वापस आता हूँ एंड डायमंड की मदद से मैं अपने लिए डायमंड का फुल सेट आर्मर क्राफ्ट करता हूँ एंड साथ ही साथ एक डायमंड की स्वॉर्ड भी एंड उसके बाद एक गोल्ड का बूट क्राफ्ट करके निकल जाता हूँ नेदर में। सो अब चलते हैं अपने नेदर फोर्ट्रेस की तलाश में। तो कुछ ही ब्लॉक्स ट्रैवल करने के बाद हमें अपना नेदर फोर्ट्रेस मिल भी जाता है जो कि वो रहा एंड ये एंटर कर गए हम अपने नेदर फोर्ट्रेस में। सो फटाफट से कलेक्ट करते हैं यहाँ से बहुत सारी ब्लेज रॉड्स। हम आए थे यहाँ पे ब्लेज रॉड कलेक्ट करने एंड हमें मिल गया वितर स्केलेटन स्कल। अगर हम वितर स्केलेटन स्कल कलेक्ट करने आते तो पूरा दिन निकल जाता लेकिन हमें एक भी स्कल नहीं मिलता। और अभी देखो इन अ ब्लेज रॉड एंड एक वितर स्केलेटन स्कल के साथ मैं अपने ओवरवर्ल्ड में वापस आ जाता हूँ एंड फिर मैं बिल्ड करता हूँ एक इंचेंटिंग टेबल एंड साथ ही साथ ढेर सारी बुक शेल्फ। एंड अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पास इतना सारा लेदर कहाँ से आया, तो वो मुझे मिला है काउस को मार के। एक एक करके मैं अपने सारे आर्मर एंड टूल्स को इंचेंट कर रहा था कि तभी मेरा एक्सपीरियंस लेवल खत्म हो जाता है एंड अब मैं आगे इंचेंटमेंट नहीं कर सकता। इसलिए अब बारी थी अपने लिए एक एक्सपी फार्म बनाने की जिसकी मदद से हमको एक्सपी मिलेगी एंड हम अपने सारे आर्मर एंड टूल्स को इंचेंट कर सकेंगे। ये कलेक्ट कर लिए हमने सारे रिसोर्सेज एक्सपी फार्म बनाने के लिए।
एक्सपी फार्म जितने हाइट पे हो उतना अच्छा है, इसलिए मैंने भी अपना एक्सपी फार्म बहुत ज़्यादा ऊपर बिल्ड किया है ताकि ये बहुत इफिशियंटली वर्क करे। एंड स्टार्टिंग में मैंने इसमें एक लिप भी बिल्ड कर ली थी ताकि हम आसानी से ऊपर जा सके। बस अभी मुझे इस पूरी लिप को वाटर ब्लॉक में कन्वर्ट करना है, जो कि मैं केल्प और बोन मिल की मदद से करता हूँ। एंड ये रेडी होगी हमारी वाटर लिप। हमारा एक्सपी पंप थोड़ा स्लो था लेकिन बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर रहा था, इसलिए मैं अपने एक्सपी पंप पे बहुत ज़्यादा एफके करता हूँ। एंड उसके बाद मैं कलेक्ट करता हूँ ढेर सारी एक्सपी, एक एक करके मैं अपने बचे हुए सारे टूल्स को इंचांट करता हूँ। उसके बाद मैं क्राफ्ट करता हूँ एक ब्रीविंग स्टैंड, एंड फिर अपने विलेज में जाके मैं एक विलेजर को क्लरिक की जॉब देता हूँ ताकि हम उसको अपग्रेड करके उसे एंडर पर्ल ट्रेड कर सके। इस बंदे को मास्टर लेवल तक अपग्रेड करने के लिए मैं अपने पास का सारा वुड बेच देता हूँ, यहाँ तक कि मेरे पास जितना भी फूड सोर्स था मैंने वो सब भी बेच दिया था। एंड ये बंदा अपग्रेड होने के बाद हमको बॉटल ऑफ इंचेंटिंग बेचता है। चूतिया बनाया तुमको पैसा बर्बाद पहन। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। फिर मैं एक दूसरे बंदे को क्लरिक की जॉब देता हूँ एंड उसको अपग्रेड करके मैं उससे ढेर सारे एंडर पर्ल ट्रेड कर लेता हूँ। बेस पे आके मैं ब्लेस पाउडर की मदद से ढेर सारी आई ऑफ एंडर क्राफ्ट करता हूँ एंड अपनी फर्स्ट आई ऑफ एंडर थ्रो करके निकल जाता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड की तलाश में। बहुत देर से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एंड शायद इसी जगह पे अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो मैं फटाफट से डिग डाउन करता हूँ एंड डिग डाउन करके ये पहुँच जाते हैं हम अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में। एंड थोड़ी देर में मुझे पोर्टल रूम भी मिल जाती है जिसको मैं फटाफट से एक्टिवेट करता हूँ एंड निकल जाता हूँ एंड में। एंड अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि इस एंडर ड्रैगन को डिफीट करना कितना ज़्यादा इजी है। एंड इतना ज़्यादा इजी होता है इस बंदे को डिफीट करना। ये आ गई हमारे पास इतनी सारी फ्री की एक्सपी एंड अल्सो एंडर ड्रैगन का अंडा। सो अब चलते हैं एंड गेटवे से एंड सिटी की तलाश में। क्योंकि मैंने अपना रेंडर डिस्टेंस बढ़ा रखा है तो मुझे बहुत जल्दी एंड सिटीज़ मिल जाती है एंड वो भी एक के जगह दो दो। एंड जैसे मैं इन एंड सिटीज़ के पास जाता हूँ तो मुझे थर्ड वाली भी एंड सिटीज़ मिल जाती है। एंड खास बात तो यह है इन तीनों एंड सिटीज़ में एंड सिटी शिप थी। ये आ गए हम अपने फर्स्ट एंड सिटी में। ये कलेक्ट कर लिया हमने पोशंस, यहाँ का शल्कर बॉक्स भी टेलीपोर्ट हो गया था एंड यहाँ की चेस्ट में भी इतनी खास लूट नहीं थी, लेकिन सबसे खास चीज़ ये रहा अपना फर्स्ट इलाइट्रा। फिर मैं यहाँ के कुछ चेस्ट को लूटता हूँ एंड यहाँ से एक चेस्ट कलेक्ट करके उसके मदद से मैं क्राफ्ट करता हूँ एक शल्कर बॉक्स एंड उसमें अपना सारा कीमती सामान रख देता हूँ। एंड उसके बाद मैं निकल जाता हूँ अपने सेकंड एंड सिटी की तरफ एंड तभी मुझे दिख जाती है अपनी फोर्थ एंड सिटी। इस शिप में भी इतनी खास लूट नहीं थी लेकिन ये रहा हमारा सेकंड वाला इलाइट्रा। ये आ गए हम अपने थर्ड एंड सिटी में एंड यहाँ पे मुझे थोड़ी अच्छी लूट मिलती है एंड ये रहा हमारा थर्ड इलाइट्रा। एंड लास्ट में ये पहुँच जाते हैं हम अपने फोर्थ एंड सिटी पे, ये गया शल्कर बॉक्स एंड यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी लूट मिलती है दोनों भी चेस्ट से एंड ये आ जाता है हमारा फोर्थ वाला इलाइट्रा। जल्दी मुझे अपना एंड गेटवे भी मिल जाता है तो मैं फटाफट से निकल जाता हूँ एंड वर्ल्ड की तरफ एंड एंड वर्ल्ड से सीधा ओवर वर्ल्ड में। ये रहे वो चार चार इलाइट्रा जो हमने एंड सिटी से लाए है एंड इसी के साथ इतनी सारी लूट भी। एनविल की मदद से एंड सिटी से लाए हुए टूल्स को एंड अपने टूल्स को कंबाइन करके मैं उन्हें और ज़्यादा पावरफुल एंड इफिशियंट बनाता हूँ, क्योंकि मुझे अभी एक बहुत बड़ा काम करना है जो कि है इस माउंटेन को क्लियर करना। हाँ, मैं इस माउंटेन को क्लियर करने वाला हूँ जो कि अपने बेस को बहुत ज़्यादा गंदा बना रही है।
अब हमारा बेस पहले से बहुत ज्यादा बेहतर एंड ओपन लग रहा है एंड ये सब पॉसिबल हुआ इस माउंटेन को क्लियर करने के बाद, क्योंकि इतना बड़ा माउंटेन क्लियर करने के बाद हमारे टूल्स टूटने पे आ गए थे एंड क्योंकि हमारे शेवल में मेंडिंग लगी है तो मैं अपने एक्सपी फार्म पे आ जाता हूँ उसको रिपेयर करने के लिए। हमारे बेस पे बस अब कुछ विलेजर्स की कमी थी जिन्हें हम बड़े आसानी से अपने विलेज से ला सकते थे, तो उनके रहने के लिए मैं सबसे पहले तो बिल्ड करता हूँ एक बहुत बड़ा बंकर। एंड ये रहा बहुत बड़ा बंकर जिसमें हमारे सारे विलेजर्स रहेंगे एंड ये टेम्प्रेरी है, इसके बाद हम बहुत बड़ा कुछ बिल्ड करने वाले हैं जिसे देख के तुमको मजा आ जाएगा। इतनी ज्यादा माइनिंग करने की वजह से हमारे पास बहुत सारे कोल के ओर्स कलेक्ट हो गए थे, तो मैं फटाफट से उनको एक लाइन में लगाता हूँ एंड फिर उनको फॉर्च्यून करके देखता हूँ कि हमारे पास कितना सारा कोल कलेक्ट हो गया है। मुझे इससे कई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी बट अफसोस हमें इतने ही मिले। फिर मैं अपने विलेज में आ जाता हूँ एंड जॉब ब्लॉक की मदद से मैं कुछ विलेजर को स्कैम करके अपने न्यू वाले बंकर में ट्रांसफर करता हूँ। फिर मैं बहुत सारे बेड्स क्राफ्ट करके अपने बंकर में लगा देता हूँ एंड लास्ट में उनको ढेर सारी ब्रेड्स देके ब्रीडिंग करने के लिए छोड़ देता हूँ ताकि अपने पास ढेर सारे विलेजर्स हो जाए। बंकर से बाहर आती मुझे स्केलेटन हॉर्स दिखता है एंड जैसे मैं इसके पास जाता हूँ तो कुछ ऐसा होता है एंड इसके साथ हमारे पास एक की जगह चार चार स्केलेटन हॉर्स हो गए। अपने बंकर में बहुत सारे विलेजर्स हो गए थे एंड कुछ विलेजर्स को तो मैंने जॉब भी दे दी थी जिनसे मैं अनब्रेकिंग 3 एंड मेंडिंग की बहुत सारी बुक्स खरीद लेता हूँ एंड फिर उन्हें एक एक करके अपने सारे आर्मर एंड टूल्स में लगा लेता हूँ एंड हाँ अपने इलाइट्रा में भी एंड लगे हाथों इन सभी को रिपेयर भी कर लेता हूँ। ये आ गए हम अपने बेस पे वापिस एंड अब हमें गैदर करना था बहुत सारे मटेरियल्स, कलेक्ट करना था बहुत सारे रिसोर्सेज क्योंकि अब हमें बिल्ड करना अपने बेस पे एक कस्टम विलेज जहाँ पे अपने सारे विलेजर्स रहेंगे।